मध्य प्रदेश की एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान अब अपने आखिरी चरण में है। इन चारों सीटों पर कुल 48 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के बीच में है। खंडवा लोकसभा सीट के पुनासा विकास खंड के नवलगांव में मतदाता नदारद नजर आए। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। कांग्रेस इसे महंगाई से जोड़कर देख रही है तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोगों ने राष्ट्रीय हित में मतदान किया है। छोटा कार्यकर्ता होने के नाते मैं तो यही कहूंगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनने कई ढेर सारी योजना देश के लिए लागू की है और कई उनका हमारे नंद कुमार सिंह जी का सपना था। महामारी आने के कारण हमारे बीच नहीं है, वो चले गए और उनका जो सपना अधूरा था उनके सपनों को साकार करने के लिए हम तन मन धन लेके मतदान कर रहे हैं और हम करवा भी रहे हैं। और हम तो यही चाहेंगे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी आधी वोटे जीते और हमारे ज्ञानेश्वर पाटिल जी को आधी वोटे से विजय मिले, यही कहना चाहता हूँ और यही मुद्दे मैंने वोट दिया है। मतदान इस कारण से कम हो रहा है क्योंकि मजदूर लोग सब काम पे चले गए। अगर कभी मान लो उनको हम रोकते भी हैं, कोशिश करते भी हैं, तो वहां पर बात यह आती है कि भाई हम मजदूर में बेघर हो जाएंगे। पढ़ रहे तो मतलब मिलता नहीं है, कुछ दिन का ये समय है जो काम कर रहे हैं। अगर कभी मान लो हम कभी मतदान कभी करते हैं यहाँ पर रुकते हैं तो हमारे 400 रुपए के पर डे के जाएंगे। इसके लिए उनको समझाना मनाना थोड़ा कोशिश तो कर रहे हैं, फिर भी मतदान हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50% तक पहुँचेंगे, इससे आगे तो पहुँचना मुश्किल है। कोशिश हमारी पूरी पूरी है। हम भी चाहते हैं कि हमारे राजनारायण सिंह जी दादा उनको ज़्यादा